सबसे पहले तो मुझे बहुत आनंद है कि देश के असली सेवक, देश के असली रक्षक, उनके बीच में मेरा पहली बार काम पड़ रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। मुझे जब आपकी बात याद आई तो मुझे धारा 370 हटने के बाद यदि कश्मीर में कोई शांति है तो उसका श्रेय आपके डिपार्टमेंट को जाता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को जाता है। कोई भी नहीं सोच सकता था कि नेता तो 370 हटा के चले गए विदेश, लेकिन 2-3 सप्ताह से जिन्होंने रात दिन एक करके जगे होंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम पानी भी नहीं पिला पा रहे होंगे, हो सकता है उन्हें भोजन न दे पा रहे हों, हो सकता है उनको रात दिन जग रहे हो तो उनका गर्मी बढ़ रही हो, हो सकता है, हो नहीं सकता, सही बात यह है कि वे स्वयं अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहे होंगे, इंटरनेट नहीं होने से भी अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे होंगे। एक ऐसा इलाका जहां पर दहशत हो, कहीं से भी आतंकवादी प्रवेश करते हो, पत्थरबाज वहीं पाए जा रहे हो, ऐसे समय में आधी रात को भी पत्थर ना पड़े घर वालों को चिंता होती होगी। मुझे इन सब बातों के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत, आपके डिपार्टमेंट के लिए और मिलिट्री के लिए बहुत बहुत तहे दिल बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद देता हूं आपकी इस रक्षक सेवा की भावना के लिए। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट के मामले में जो पिक्चरों ने तस्वीर खड़ी की है उन तस्वीरों में लगभग हास्यास्पद दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्यमेव जयते जब सीरियल आया और उसमें पुलिस विभाग के बारे में बताया पूरा का पूरा, मैं समझता हूं कि पूरे देशवासियों की आंखें खुली होंगी। मेरे हृदय में भी आपके प्रति जो निष्ठा, प्रेम, भक्ति पैदा हुई है तो उसके लिए मैं सत्यमेव जयते को याद करता हूं। उसने सचमुच आपकी तकलीफों को बताया है। बहुत दिनों बाद शायद किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट की तकलीफ को सबके सामने जाहिर किया होगा। दो बातें हुई कहने के लिए, तो मुझे इतने सारे विषय लगते हैं कि मैं आप सबसे हर विषय पर बात करूं, लेकिन 2-3 विषय जरूर छूंगा मैं आपके लिए, थोड़े थोड़े शब्दों में छूंगा। यदि आप चाहें तो उस पर अपन बाद में चर्चा भी कर सकते हैं, समग्र रूप से भी कर सकते हैं, खुल करके अपन बातचीत करें, डाइल्यूट हो जाए। सबसे पहली बात ईमानदारी की है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था और मेरा विद्यार्थी 5 साल पढ़ने के बाद एमकॉम करने के बाद जब वो जाता था तो उन विद्यार्थियों से मैं एक बात कहता था कि मैं पुरानी परंपरा वाला आदमी हूं, क्या आप मेरे पढ़ाने से संतुष्ट हैं? यदि संतुष्ट नहीं है तो आज मुझे बताइए कि मुझे 5 साल में ऐसा क्या सुधार करना चाहिए जो अगले आने वाले बच्चों को मैं सुधार करके पढ़ा सकूं, और यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे दक्षिणा चाहिए। तो वे लोग हंसते ही हैं बच्चे, तो दक्षिणा में क्या चाहिए तो मैं उनसे कहता, बेटा मैं तुम्हारे ऑफिस में कभी आऊं तुम आईएएस बन जाओ, तुम एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे कहीं चले जाओ, मेरा काम पड़े मैं आपके चैम्बर में आके बोलूंगा मैं आई कमिंग सर, आप खड़े मत होना मेरे लिए, मत खड़े होना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज पूरे देश की सेवा यदि कोई कर रहा है तो हमारा कृषक है, हमारा गरीब है। एक किसान रिश्वत देकर के फसल पैदा नहीं कर सकता, एक मजदूर अपने कंधे तोड़ता है, अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, वो रिश्वत देकर के नहीं कर सकता वो काम, उसे करना ही पड़ेगा। देश की 80% से भी अधिक पॉपुलेशन टोटली ईमानदार है। यदि वो ईमानदार ना हो तो हमारा जीना मुश्किल पड़ जाए। देश की सीमा पर गोली खाने वाला यदि थोड़ी सी रिश्वत ले ले भी 1-2 करोड़ रुपए की और एंटर होने दे, आप सोच सकते हो क्या होगा। पानी का डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति करोड़ रुपए लेकर के जहर डाल दे उसमें, क्या होगा आप सोच सकते हैं। पानी का डिपार्टमेंट वाला जहर डालेगा नहीं रिश्वत खा करके। यदि हमारे थोड़े से डिपार्टमेंट की हम बात करें, जैसे समझ लीजिए मेडिकल लाइन, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सत्यमेव जयते में मेडिकल लाइन के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। वे लोग करते क्या है,
पूरे देश के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट पढ़ लिख करके निकलते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं, और थोड़ी सी रिश्वत लेकर के वे ऐसी चीज अलाउ कर देते हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अभी हम पिछले एक दो महीने में आपने न्यूज़पेपर बहुत पढ़े होंगे, पूरे एमपी में दो महीने के बीच में खूब मावा पकड़ा गया, वो तमाम चीजें पकड़ी गई नकली, खाद्य विभाग में जिसे हम कहें बहुत कुछ काम हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं ये हो क्यों रहा है? यदि थोड़े से लोग कह रहा हूं मैं, बहुत कम लोग हैं, यदि थोड़े से लोग ईमानदार हो जाएं, मैंने उन बच्चों से कही ये बात, यदि हो जाए तो हमारा देश वर्ल्ड में नंबर वन होगा। क्यों? फिर मैं इस पर एक घंटा लेक्चर देता हूं उनके लिए, तो मैं आपको एक घंटा तो नहीं दूंगा, मैं उसका थोड़ा सा नमूना कहना चाह रहा हूं। आपने ये देखा होगा रिश्वत से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, आप ये देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। हो सकता है हर व्यक्ति को मौका छोड़ना नहीं चाहता, ले लेता है, लेकिन आपको पता है उससे हजार गुना आपको भी पे करना पड़ रहा है। आप में से हर व्यक्ति इस बात से दुखी है, साले मास्टर पढ़ाते नहीं है, कोचिंग ले रही है, एक एक लाख रुपए कहां से लाएं, अपनी बच्ची को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख कहां से लाएं, 1 करोड़ कहां से लाएं। मैं नहीं समझता हूं कि आप में से भी किसी की हिम्मत पड़ जाए कि 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके आप व्यापम में पैसा जमा करा के या डोनेशन से बच्चे को पढ़ा सके। ये है वो पीड़ा, हमने कुछ नहीं ले पाए, लेकिन हमें हजारों जगह चुकानी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं यदि हम भी किसी डिपार्टमेंट में, आप भी किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको भी देना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब निकला? हम एक गुना लेते हैं तो हजार गुना लौटाना पड़ रहा है। मैं जानता हूं ये बात कठिन है, बिल्कुल कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है मैं इस पर ज्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकता हूं। हमारी सैलरी, हमारा जो चैनल है, जो कुछ भी हो, हमें कहीं ना कहीं से वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर आदमी ये सोचता है हमसे भी तो सब ले रहे हैं, अभी ऐसा दिमाग में आता है हमसे भी तो सब ले रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन मैं इस मामले एक बात कहता हूं, देश की आजादी के लिए पहला सैनिक को मरना पड़ता है। आपने देखा होगा जब कभी भी राजा महाराजा लड़ते थे तो चढ़ने वाले मारे जाते थे किले के ऊपर, जो आगे जाते हैं सबसे आगे खड़े उन पर पहले गोलियां लगती है। मुझे ऐसा लगता है कहने के लिए आज हमें फिर गांधी बनने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हमें संघर्ष करना पड़े, जब देश की आजादी के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं तो हम अपने देश के भविष्य के लिए थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में भी कई काम आए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा थी, हालांकि मैं अपने मुंह से कहूंगा उतनी आपको शायद नहीं भी लगे अच्छी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको मेरी प्रतिज्ञा थी। कॉलेज की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी थी, भोपाल एक कैपिटल सिटी है, पीजी कॉलेज था, बहुत रेपुटेड कॉलेज था। साथ में हमारे पास भी वही समस्या आती थी, हमें एरियर निकलवाना तो रिश्वत दो, जीपीएफ निकलवाना रिश्वत दो। लेकिन मैंने सौगंध खाई हुई थी, दो सौगंध खाई थी मैंने अपनी जिंदगी में, मैं रिश्वत से नौकरी नहीं लूंगा। पहली मैं बिल्कुल कहता हूं आपको, मैंने जिंदगी में दो जगह नौकरी ली और दोनों जगह मैंने नौकरी में रिश्वत नहीं दी। फिर मेरी दूसरी प्रतिज्ञा थी जीपीएफ वगैरह निकलवाएंगे तो मैं रिश्वत नहीं दूंगा, निकले या ना निकले। हमारा सैलरी 5वां वेतन मान लगा और इसके इंक्रीमेंट और सब लगते हैं, उसमें करीब 10-15 हजार रुपए का पूरा एरियर उस समय बना। सब लोगों ने तो पैसे दे दिए 205 से जो देते क्लर्क को, और बन गया उनका, हमारा नहीं बना। लेकिन मुझे पता था बनेगा, बनाना कंपलसरी है। कब तक डिले करोगे आप? ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा, स्टेटमेंट जाते हैं ऊपर, कौन कौन के बकाया रह गए, आप जिम्मेदार हो गए। मैंने नहीं दिया, उन्हें देना पड़ा, दिया उन्होंने। जीपीएफ निकलवाने के लिए मैं नहीं गया, आया अपने आप। हमें थोड़ा हौसला रखना पड़ सकता है, लेकिन यदि ये सत्य की विजय शुरू हो गई, आप उस दिन की कल्पना करो, 1 से सुगंध 2 में फैलती है, 2 से 4 में फैलती है, 4 से 8 में फैलती है, ये सुगंध पूरे देश में फैल सकती है। क्यों? क्योंकि ये राम की भूमि है, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है, क्योंकि ये महावीर की भूमि है। अभी हमारे देश में वो बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा संघर्ष सबको हमको ही करना पड़ेगा। करेंगे इसके सुखद आनंद हमको आएगा। विजय माल्या को आप सुखी नहीं मान सकते, नीरव मोदी को आप सुखी नहीं मान सकते, अन्य के नाम ज्यादा मैं लेना नहीं चाहता, बहुत सारे नाम फेमस है, आप सुखी मान सकते हैं ना? जो अपनी सुगंध अपने ऑक्सीजन तक नहीं ले सकते देश की, जो अपनी मिट्टी पर पैर रखने में डर रहे हों,
कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों से भी बड़ा आतंक इनका है। आतंकवादी तो घुस भी आता है, वे तो घुस भी नहीं सकती। आप क्या समझते कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो देश पर इस तरह की बातें कर रहे होंगे गलत तरीके से। मैं कहता हूं मान लो आपको रात रात भर जागना है तो जाग नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आप रिश्वत देकर के थोड़ी कह सकते हो भाई आज चोर नहीं निकलेगा यहां से। आप क्या कर सकते हो बताइए? मतलब तमाम जो प्रॉब्लम्स है वो हम फेस करते हैं और टोटली ईमानदारी से मेहनत से करते हैं, लेकिन यदि हम ठानेंगे तो ये काम जरूर हो सकता है। मेरी एक प्रतिज्ञा और थी कॉलेज में जब ज्वाइन कर रहा था, मैं 21 साल का था, विद्यार्थी 18-18 साल के 20-20 साल के थे। मैं जब पढ़ाने गया तो मेरी मूछें भी ढंग से नहीं आई थी। तो मुझे डर तो लग रहा था, अब ये लग रहा था कि यदि नहीं पढ़ा पाए अच्छे से तो क्या होगा। तो मैंने भगवान के सामने जाके प्रतिज्ञा की थी, या तो मुझे इतना बल दो कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, और नहीं तो यदि नहीं पढ़ा सकूंगा तो मैं इस्तीफा देकर आऊंगा, मैं पैसे का लालच नहीं करूंगा। हमारे डिपार्टमेंट में ट्यूशन बहुत होती, क्योंकि मैं कॉमर्स का प्रोफेसर था। कॉमर्स वाले जितना सैलरी से नहीं कमाते उससे ज्यादा वो कोचिंग से कमाते हैं, पढ़ा पढ़ा के कमाते हैं। मैंने इसकी पूरी स्टडी की। कोचिंग से जितने लोग पढ़ा रहे थे उनमें से सारे के सारे हार्ट अटैक के शिकार हैं, सारे बीपी के शिकार हैं, सारे को डायबिटीज है, सारों का पेट बढ़ रहा है, पाचन नहीं है, दो रोटी खाना मुश्किल है। उनके पास कार है मुझे पता है, मेरे पास साइकिल थी, मैं कॉलेज में साइकिल से पढ़ाने गया, वे कार से जाते थे। फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं, फिजिकली कोई वर्क नहीं, सब्जी भी लाना है तो नौकर ला रहे हैं, काम वो कर रहे, भी सबके सब बीमार। और उनके घर में सबसे पहले बीसीआर आए, बेटे को देखने वाला कोई नहीं, रात को बीसीआर में क्या देख रहा है वो। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे साथियों की सामने इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप अखबारों में पढ़ते होंगे, और हमारे साथियों ने सुसाइड किया। जब लड़की इंटरकास्ट चली गई तो इतनी पीड़ा हुई कि 1.5 करोड़ रुपए देकर पढ़ाया हमने इस बच्ची को, इस बच्ची ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। उस समय जो तकलीफ बीती ना उनके ऊपर, तब उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे साथी सारे के सारे दुखी, 100% बीमार, एक भी ऐसा नहीं निकला। और मेरे पास आज तक मैंने दवाई नहीं खाई। स्वानुभूति जो किसको है, स्वांता सुखाए बहुत बड़ा सुख है। प्रिंसिपल ने कहा हुआ था, हमारा ऑर्डर है सबको, आप भी जानते हैं, कोई कोचिंग नहीं ले सकता, ट्यूशन नहीं ले सकता। मेरी प्रतिज्ञा थी मैं नहीं लूंगा। मैं संडे को जाता था क्लास में पढ़ाने के, जो जितने कमजोर बच्चे मैं पढ़ाऊंगा, आप आइए। संडे को कॉलेज खुलवाते थे, हम संडे को पढ़ा देते। वो जो आनंद हुआ है ना, वो आनंद मैं सोचता हूं मैंने देश की वहां से सेवा की। आप फिजिकली यहां सेवा कर रहे हैं, ये आपकी सराहना है। और मैं उस ज्ञान के क्षेत्र में खड़ा था, जब तक वहां खड़ा रहा 10 साल, मैंने एक भी पैसे की न कमाने की कोशिश की, न किसी प्रकार की परचेजिंग वगैरह होती है डिपार्टमेंट में, उनमें बहुत कमीशन खाए जाते, मैंने वो कोई काम नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कापी नहीं जांचनी, मुझे पेपर सेट नहीं करने, जो मैं आउट करता फिर कमाता फिर, मैंने नहीं किया। 10 साल में कोई पेपर नहीं बनाया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं लिया जिससे हम परेशान हो। लेकिन हमारे साथी परेशान थे, लड़के किडनैप करके ले जाते, सर नंबर बढ़ा। बढ़ाते थे नंबर, हमें कोई खतरा नहीं था, हमें किसी लड़के से खतरा नहीं हुआ 10 साल तक। ये बात तो मैंने अपनी आत्मप्रशंसा में कही जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इसलिए कही कि अपन ठान ले तो काम हो सकता है। इसका सुख बहुत है, एक भी व्यक्ति शांति से सो नहीं पा रहा। यदि मैं थोड़ा लंबा व्याख्यान करूं, या आप सुनना चाहें तो इनसे ले लेना, इनको दे दूंगा, एक पूरा 1 घंटे का व्याख्यान है मेरा। देश का पैसा देश में रहता है, भोग नहीं सकता। आज तक की तारीख में आप बता दो कि एक भी पैसा किसी ने रिश्वत का, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, मिलावट का भोगा हुए तो, एक भी आदमी का नाम बता दो मुझे यार। भोगा नहीं है, ध्यान रखना, क्यों नहीं भोगा मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। एक पुराने जमाने में एक गाना चलता था, आपने सुना ही होगा शायद, नहीं सुना तो एक लाइन सुनाता मैं आपको। राजा हो या रंक, यहां पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए तुम जानने को तैयार, खबरदार। पुराने लोगों को गाना याद आ गया होगा, नहीं नए लोग पता नहीं सुनते हैं कि नहीं गाना। बहुत अच्छा गाना था, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं। मैं एक लेटर लिख रहा था तभी गाना चल रहा था,
मैंने उस लेटर का मंगलाचरण नहीं लिखा था। इस पर मैंने बहुत सोचा। आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो कि मैं गलत हूं, तो मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे, आप बताइए एक भी भोग ले क्यों क्यों नहीं भोग पाता। सरल दृष्टांत दे दूं आपको, सरल दृष्टांत समझ लो। पिताजी आपको 25 लाख दे गए, उस 25 लाख में से आपने एक भी रुपया नहीं होगा, आप 25 लाख का 50 लाख मैं ब्याज के करके बच्चों को दे गए, तो आपने पिताजी की संपत्ति भोगी कहां। जितने लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं वो 300 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ जिसके भी निकलते हैं, वो भोगा कहां, गद्दे के नीचे रखा था, नंबर 2 के मकान में रखा था, शेयर मार्केट में रखा था, डूब गए, पैसा खर्च हो गए बीमारी में, भागते फिरे। जब भागता है ना आदमी तब 1-1 करोड़ देने तैयार है, 13 करोड़ देने तैयार था, 18 करोड़ लेके घूम रहे थे, 20 करोड़, समझ गए हो गए आप लोग। जब आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा ये बात। अब ये क्या मतलब निकला इसका, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब हमारे भाग्य में इतनी बढ़िया नौकरी मिली है, भगवान ने हमें इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा काम, इतना सुरक्षित काम, इतना प्यारा काम, कई पुलिस वालों के पूरे अनुभव अपने खान ने, आमिर खान, उन्होंने सत्य में जयते दिखाए, गर्व होता है, प्राउड होता है। लेकिन जो गलत होंगे उन्हें तो प्राउड नहीं हो सकता है ना। तो स्वांता सुखा ये बहुत बड़ा काम है। रिश्वत खाने वाले ने एक भी पैसा नहीं होगा, वो या तो स्विस बैंक में डाल देते हैं, या उधर डाल देते, उधर डाल देते, उधर रख देते, या बेनामी संपत्ति कर देते, सब खा जाते हैं, कोई नहीं भोगता। और जब अपन अपने छोड़ के मरेंगे तो दूसरों का अकेले। मैं कॉलेज में जब पढ़ा रहा था तो रेलवे स्टेशन पे 4 विद्यार्थी खड़े खड़े फेंक रहे थे, फेंकना तो समझते हैं दिए जा रहे। एक बार मैं बम्बई तक गया था विदाउट टिकट, एक बार मैं दिल्ली तक गया था, वह मैं ऐसा तमाम बातें कर रहे। अच्छे घर के लड़के थे, तो मैंने उनसे एक बात पूछी, बेटे क्या तुम गरीब हो? कि नहीं नहीं गरीब नहीं है, हमारे बाप तो करोड़पति है। करोड़पति है तो आप विदाउट टिकट क्यों जाते है मर्द। अब जे बढ़िया आफत है मर्दानगी की, ये परिभाषा कौन से। ठीक है कोई बात नहीं, विदाउट टिकट जाते हो तो फिर आपको दहशत नहीं होती, घबराहट नहीं होती आपको? क्यों होती है तो काहे के लिए जाते हो? ठीक है 10 बार नहीं पकड़े और एक बार पकड़े गए और 1000-2000 की पेनल्टी लग गई, इज्जत चली गई, अखबार में नाम छप गया, तब तुम पिताजी को क्या चेहरा दिखाओगे? आपने देखा होगा जब अपने ही समाज का कोई व्यक्ति का नाम छपता है तो अपने को दर्द होता है कि यार देखो इसने नाम कलंकित कर दिया। मैंने आप क्या सोचते बेटे, आप अपनी समाज की निधि हो, आप भारत की निधि हो, आपके माता पिता आप पर प्राउड करना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ा? सारी जिंदगी में आपने 200, 500, 1000, 2000 रुपए बचाए, लेकिन मरते समय तो अपन 1.5 करोड़ छोड़ के मरने वाली। यदि हम 2-5 हजार नहीं चुराते, रेल का टिकट, बिजली का टिकट, वो क्या बिजली का बिल, दंड को अड़ी बार क्या कह रहा है, ये नहीं करते तो क्या फर्क पड़ जाता है? सोचना सभी लोग, ये मार करके टिकट और बिजली ले ली, पानी चुरा लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? मरते समय तो पूरे ही छोड़ के मर गए आप। ये मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ जो मैंने अपने पिताजी को बताया था, जिसके बल पर मैंने कभी 1 पैसे की बेईमानी नहीं की। 1-1 बार मैंने 3 बार बेईमानी की है, झूठ नहीं बोलूंगा। 10 रुपए चुकाए थे मैंने, एक बार पुलिस डिपार्टमेंट को चुकाए थे और एक बार उसको, क्यों? मैं घी का 3 रेल में लेके आया था तो आरपीएफ वालों ने पकड़ा, 10 रुपए लिए उन्होंने, मैं बता रहा हूँ खुद अपनी बात। और चुंगी नाके पर यूपी से एमपी में आते थे, उन्होंने 10 रुपए लिए, उन्होंने पता है घी जाता है यहाँ से टीकमगढ़ से भोपाल लंबी दिशा लाने के लिए। उस दिन के बाद मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आइंदा घी महंगा मिले या सस्ता मिले हम अपने गाँव में खरीदेंगे, हम ललितपुर और टीकमगढ़ से लेके नहीं आए। ये मैंने प्रतिज्ञा करी उसी दिन। 1-1 बार गलती हुई मेरे से, 20 रुपए लगे मेरे, इसके बाद जिंदगी मैंने कोई रिश्वत का काम नहीं। क्यों करें? मैंने अपने पिताजी को यही कहा। एक घटना सुनाता हूँ आपको, थोड़ी मनोरंजन की जैसी रहेगी थोड़ी। सन 75-78 की बात है, मेरे पिताजी के उस जमाने में 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे घर की इनकम से समझिए तो साल भर में भी 10,000 का नेट प्रॉफिट नहीं था, लेकिन वो 10,000 का लॉस हो गया। लंबी चौड़ी तो नहीं सुनाऊंगा आपको। तो पिताजी बहुत दुखी, और मैं धर्म से लगा हुआ था ना, मंदिर जाता था, स्वाध्याय करता था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं उस समय फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो मैंने पिताजी ने जब से सारी घटनाएं हुई तो
भोजन करता था मैं तो मस्त हो गया, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी का क्या हो रहा है। तो मम्मी ने मेरे से कहा तो भी चिंता नहीं हो रही, पिताजी को तो नींद नहीं आ रही, उनको तो 10,000 का लॉस हो गया। 10,000 मैंने उस जमाने में बहुत बड़ी रकम, तो मैंने भी टेंशन की मैं भी सीरियस हो गया। लेकिन दोपहर में 3 बजे के लगभग मेरे फूफा जी आए और मेरे पिताजी ने 10 का नोट दिया, जाओ 1 किलो आम ले जाओ और रस पूड़ी बनवाओ। मेरा दिमाग आश्चर्यचकित हुआ, भी नहीं हो क्या रहा है, रोने के लिए हम और खीर पूड़ी खाने के लिए वो, रस पूड़ी के लिए। दिमाग चलता रहा, मैंने जो आखिरी में कही वो बात आपको बताना, मैंने माँ से कहा पिताजी से कह देना, मैंने कहा माँ से कहना पिताजी से कह देना कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 10,000 चलेगा चले जाने दो। तो बोले क्यों, 10,000 तो बहुत बड़ी रकम होती। मैंने इससे समझ लीजिए कि हम, मेरी बुआ जी की शादी में 18,000 रुपए खर्च हुए थे टोटल, तो 10,000 तो बहुत बड़ी रकम कहलाई। फिर तो क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने देखो आप मरते समय में 5 लाख दे जाओगे तो 4,90 दे जाना। हमने उस समय की हैसियत में हम इतने सोच रहे थे पिताजी 5 लाख देंगे, हमें 4,90 दे देना, रोने की क्या चक्कर है, खाओ पियो आराम से। मैं देखो ये हमारा छोटा भैया है, ये तो रो ही नहीं रहा बेचारा, किलकारी मार के हंस रहा है, बाकी सब लोग मजे कर रहे हैं, अपन क्यों रो। तो फिर मम्मी हंसने लगी, पिताजी भी हंसने लगे, बोले तेरा तो लॉस हो गया 10,000 का, मैं मेरा क्या कहूंगा, 4,90 फोकट के मिली। ये हमारे देखने का दृष्टिकोण है, हम कभी परेशान नहीं हो। ऐसे केसेस में बहुत सुना सकता हूँ, एक दुबई से व्यक्ति आया, उसका 1.5 करोड़ रुपया कोई खा गया, उसमें मैंने लंबी चौड़ी बातें बताई उनको, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, सिंपल गणित है, मरते समय तुम 200 करोड़ छोड़ के मर रहे, 1 करोड़ छोड़ गए कम, सोच लेना हमने 1 करोड़ मंदिर में दान दे दिया, हो सकता है तुमने पूर्व में किसी का लिया होगा, कारण तो अपन बहुत सोच सकते, लेकिन कुल मिलाकर यह कहना है कि अपने दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं हो। मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, और यदि मैं दूसरी अंग से अब दूसरी बात कहूं, यहीं से दूसरी बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात के बाद, रिश्वतखोरी नहीं होने इसके बाद मैं दूसरी बात कहता हूं जो मुझे बहुत आपसे हृदय से कहनी है, हालांकि आप सब जानते हैं और सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, लेकिन मुझे कहना है आजकल की तारीख में पैसे की कमी प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तों की कमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपके घर में 1 बच्चा हो तो आपको आज खतरा लगता है कि बेटा हमारा होगा भी कि नहीं होगा, 1 बेटी हमारे अकॉर्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, हम उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो मोबाइल पर क्या कर रही होगी हमें पता नहीं लगता है, बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं खबर नहीं पड़ती है। इस पर मुझे थोड़ा सा आप सबसे कहना है, मैं तो चाहता हूं इस पर अभियान चलाने जैसी बातें, क्योंकि ये हर एक की पीड़ा है। आज हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं लेकिन हमारा बच्चा हमारा है कि नहीं, हमारी पत्नी, आप खूब अखबारों में पढ़ रहे होंगे दिनों दिन तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं, केवल छोटी छोटी बातों पर। आज के मोबाइल में आपने देखा होगा पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो रहा इसलिए वो तलाक मांग रही है, बोले मैं एक पति की मोहब्बत से बोर हो गई। पढ़ा होगा आपने आज। मैंने गजब हो गया, मैंने तलाक का ये भी एक कारण है कि हम दोनों में झगड़ा ही नहीं होता। इंदौर की नई दुनिया में अखबार में छपा था, हो गए 8-9 साल हो गए, फ्रंट पेज पर छपा था, एक महिला सरेआम कह रही है जज के सामने, मिस्टर मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना तो रह सकती हूँ, आपके बिना रह सकती हूँ लेकिन व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकती। अब बताओ इस संस्कृति का क्या करेंगे हम, इस कल्चर का क्या करेंगे, बात इतनी यहीं तक शामिल नहीं, हमारी बेटी कहीं ना कहीं चली जाएगी, लेकिन हमारे यहां भी तो कोई बेटी आएगी, या हमारे बेटे को भी ये तकलीफ आएगी कि हमारी बहू यानी उसकी मिसेज किसी से बात कर रही है, किसी से चैटिंग कर रही है, फेसबुक यूज कर रही है, सेल्फी पोस्ट कर रही है। आप सोचो ये कितना खतरनाक काम हो गया, मेरे को इसमें भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, ऑनलाइन इस संबंध में काफी कुछ कहा जा रहा है। एक परिवार में देखो तो जितना सा बच्चे से लेकर सब लगी, ये है क्या, जब मम्मी बात करना चाहती है तब बेटा मोबाइल में उलझा हुआ है, जब बेटा मम्मी से बात करना चाह रही, रुक जा
कुछ समय टीवी खा गया, कुछ मोबाइल खा गया, और बच्चों का आउटडोर गेम कम बंद हो गए, बीमारियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे। मैं बहुत बड़ी बात कहूं, बहुत दुख होता है जब पढ़े लिखे लोग सुसाइड करते हैं। नोएडा के डॉक्टर ने मेरे परिवार के सुसाइड कर लिया। भोपाल में परसों नर्सों के दिन डॉक्टर लड़की, एक डेढ़ साल पहले शादी हुई, मोबाइल के चक्कर में पति से नहीं बनी, रेल के सामने कटने चली गई। डीएसपी थे, कौन थे, उन्होंने उसे बचा रहे, वो बार बार भाग रही, ये है क्या? ध्यान से सुनना, आज उस घर में धुआं उठा है, अमेजोन के उस जंगल में आग लगी है, लेकिन बगल के जंगल में आग लगने वाली है। इस पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ आप जैसे कर सकते हो, आप जिस लेवल पे, आपके लेवल पे आप जो मिलते हैं उनसे बात करो, और हो सके तो सबसे पहले शुरुआत अपने से हो। मैंने आज सुबह ही कहा था प्रवचन में, यदि हम थोड़ा आपको बता दें, 8 घंटा सोने में चले गए, 4-6 घंटे मोबाइल में चले गए, 4-6 घंटे नहाने धोने, लैट्रिन बाथरूम, कमाना हुआ सामान लाना, क्या क्या होता है, तमाम काम में चले, तो आपकी लाइफ मेरी 100 साल नहीं तो 50 साल से, तो आप 50 साल में मुश्किल से 8 साल जिए, बस 10 साल जिए बस, तो ये तो जिंदगी नहीं। यदि मैं अभी बहुत अच्छी भाषा में कहूं, हमारे सुख के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, हमारे सुख के लिए ये भौतिक बात नहीं चाहिए, हमारे सुख के लिए चाहिए स्वांता सुखाय। सुना, सेवा करने से जो आनंद आता है ना, वो कभी नहीं मिल सकता। विश्वास, जिसको मैं अच्छी इंग्लिश की भाषा में कहूं तो प्रॉस्पेरिटी। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी से सुखी नहीं हुआ, वर्ल्ड में सारे लोग प्रॉस्पेरिटी से सुख होते हैं। प्रॉस्पेरिटी समझ गए होंगे आप, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का थोड़ा अर्थ करता हूं, यदि पति पत्नी में गहरा प्रेम है, ये प्रॉस्पेरिटी है। सीता राम के साथ जंगल जा सकती है, उसे कभी ये ताना नहीं मारा कि तुम हो ही लल्लू हम होते तुम्हारी जगह तो 2 गांव तो ले लेते, नहीं नहीं कहा। भारत की किसी नारी ने अपने पति को ये बाध्य नहीं किया कि तुमने लिया क्यों, नहीं, जो आपकी इच्छा वो हमारी। लक्ष्मण जैसे भाई नहीं, मैं भैया के सामने कुछ नहीं कह सकता, मेरे भैया अधिकारी, ये बात सही है, लेकिन यदि भैया कह रहे हैं तो न्याय ही होगा, वो सही ही होगा, मुझे नहीं सोचना। मैंने इतना प्रेम देने वाला, ये है प्रॉस्पेरिटी, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। आज की तारीख में पत्नी पर डाउट होना, पति पर डाउट होना आम बात हो गई, बच्चों पर डाउट होना आम बात हो गई, पड़ोसी पर डाउट होना आम बात हो गई, तो फिर समझ लो हम सुखी कहां हुए, प्रॉस्पेरिटी नहीं बची ना, प्रॉपर्टी तो बहुत है। यदि मैं आपसे कहूं, हम एक दूसरे से विश्वास करते हैं, ध्यान रखना विश्वास, फैथ, सपोज आपके यहां बिल्कुल हानि हो गई, एक पैसा नहीं बचा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट सब मदद करेगा, आपका इलाज हो जाएगा, आपका मकान बनवा दिया जाएगा। अग्रवालों में एक बहुत बात फेमस है, 1 रुपया और 1 ईंट। अग्रवालों में आपने कभी देखा हो तो उनका सिंबल है पूरे इंडिया में, उनके लेटर पैड पर या उनकी संस्था पर 1 रुपया और 1 ईंट मैंने बनी हुई देखी है, अनेक जगह पर बनी हुई देखी मैंने। मैंने पूछा क्या लिखा है आपका ये चिन्ह, क्या है ऐसा चिन्ह, तुमने कभी नहीं देखा, 1 का सिक्का और 1 ईंट। तो मुझे उनकी स्टोरी मालूम पड़ी कि उनकी समाज का कोई भी व्यक्ति यदि बाढ़ पीड़ित हो गया, व्यापार में दिवालिया हो गया, किसी प्रकार का अग्निकांड हो गया, तो कहीं हाथ फैलाने नहीं जाएगा, हम सारी समाज वाले उसे 1 रुपया देंगे और 1 ईंट देंगे, 1-1 ईंट से वो मकान बनाएगा और 1-1 रुपया से उसकी पूंजी बनेगी, वो फिर से व्यापार करेगा। कहां कठिन है, कहां कठिन है। थोड़ा और एक कदम आगे जाता हूं, मुझे कहना तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ा ही थोड़ा आपको बताऊंगा। दूसरी बात सुना सभी लोग, जब भी कोई महिला 20-25 साल की उम्र में विधवा हो जाती है तो हमारी समाज की सोच ये हो जाती है कि उसकी रक्षा कौन करेगा, उसे कौन पालेगा, तो उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मैं अभी जो घटना सुनाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा देश उसकी बेटी है, इतना बड़ा समाज भी उसकी बहन है, क्या हम उसे संरक्षण नहीं दे सकते। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है, बेटा यदि कोई महिला विधवा हो जाए और उसे कोई सहारा ना मिले, कोई जाति की हो, इसी देश की हो, लेकिन यदि वो सील का पालन करे और सेवा धर्म को अपनाए, सील और सेवा, तो जीवन भर उसके वस्त्र, जीवन भर उसके भोजन, जीवन भर उसकी चिकित्सा और जीवन भर उसके बच्चों की रक्षा हम करेंगे।
कहीं मिल जाए आप बता दीजिए, बिल्कुल रक्षा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हमने अब संस्कृति, मैं जिसे कहना चाहूँ, संस्कृति की सुरक्षा में ही अपनी सुरक्षा है, संस्कृति की रक्षा में हमारी सुरक्षा है। ठीक है, आज उनके यहाँ हुआ, कल अपने हो तो कैसा लगेगा? हमारे गुरुजी, जो गुरुजी के गुरुजी, बड़े वाले गुरुजी, उन्होंने एक बात कही, एक घटना घटी थी बहुत साल पहले, करीब 50 साल पहले, एक 20 साल की महिला विडो हो गई, तो सारे समाज ने कहा इसी दूसरी शादी कर दी। तो गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने आ गई वो, तो उन्होंने एक बात पूछी, बेटा यदि तेरे भाग में पति का सुख होता तो पहला ही क्यों गुजर जाता, यदि तेरा दूसरा भी गुजर गया तो क्या करेगी, तो तीसरी करेगी, फिर तीसरा भी गुजर गया तो क्या करेगी, चार करेगी। तो बोले बेटा बेस्या में हो, फिर इसमें क्या फर्क पड़ा? सुन बेटा, तेरी रक्षा हम करेंगे, तो चिंता नहीं कर। यदि तेरे माता पिता, तेरे सास ससुर तेरी रक्षा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। आखिर नहीं, सेवा धर्म का पालन किया, सील का पालन किया, और सारे सब समाज ने मिलकर उसकी रक्षा की। भारत में ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं बहुत हुई हैं। ये बात सुनने कहने में थोड़ी आजकल, अब क्यों इस संस्कृति के विरुद्ध जा रही है बात, और इसमें तकलीफ क्या होगी? अब आप पूछो तकलीफ क्या होगी, तो आप चाहो तो देश के उदाहरण दे दूं, चाहो तो विदेश के दृष्टांत दे सकता हूं। विदेश में आप जाकर के देखो, ब्रिटेन की महारानी की बेटे की बहू डायना का नाम सुना होगा आपने, डायना का नाम सुना हो, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स। आप कल्पना कर सकते हो प्रिंस चार्ल्स पर क्या बीती होगी शादी करने के बाद? प्रतिदिन अखबारों में, उस समय के अखबार उठा के देखो आप, डोडा के साथ उसके फोटो छपते रहते थे। महारानी कितनी दुखी होगी, मेरे घर की बहू जो पूरे देश की महारानी है, बनने वाली है, वो ऐसे फोटो छप रहे हैं उसके। बच्चे स्कूल जाते थे तो सब हंसते थे, देख तेरे मम्मी का फोटो, देख तेरे मम्मी का फोटो, देख तेरी मम्मी। वो बच्चों को कैसा लगता होगा आप कल्पना कर सकते हैं? इतनी बड़ी ब्रिटेन की महारानी के दोनों बच्चे हैरी और विलियम ने माँ का दूध नहीं पिया, बच्चों को बचपन से ही पाला नहीं उसने, तलाक, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी। यदि आज अपन कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, यदि मैं आपसे पूछूं ये आपके कौन है, और आप ये कहोगे मैं 15वें नंबर के पापा है, हमारे देश के लिए तो कलंक है ये बात। आप क्या कह रहे हो, ये हमारी 25वें नंबर की मम्मी है जी, क्या बोल रहे हो आप? अब मैंने वो आपको बताया, ये विदेश के कल्चर का ये है, तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, वो किसको पापा कहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यदि आप अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही होंगे, पक्की बात है, आप पिछले सालों के अखबार उठा के देख लो, जितने सेकंड मेरी करके आते हैं और बच्ची साथ में आती है, तो जो जिससे शादी करके वो ही उस बच्ची के साथ गलत काम करता है, यौन शोषण करता है, पड़े भरे पड़े अखबार, उसे क्या लेना देना, उन बच्चों का शोषण हो रहा है। कितनी महिलाएं बेचारी मजबूरी में बर्दाश्त करती हैं, वे बच्चियां बर्दाश्त करती हैं। यदि हम उसी में सत्यमेव जयते की बात करें, तो उन्होंने बच्चों के जो यौन शोषण हुए उसके ऊपर पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, दिखाया, रो पड़ी सारी दुनिया, रो पड़ी, जिस पर गुजरती उसे तकलीफ होती है। हो सके हमें इस पर भी सोचना चाहिए, आपको हमारी तो ड्यूटी में नहीं है ये चीज, मैं नहीं जानता हूं, ये मानव ड्यूटी है। मैं जहां जा रहा हूं, चाहे मेरे प्रवचन होते हो, मैं प्रवचन इन विषयों को छूता हूं, मैं संस्कृति की रक्षा के लिए सोचता हूं। बात यह नहीं कि आपके घर की तकलीफ है, ये मेरे घर की तकलीफ है। एक बहुत सिंपल बात मैं कहूं, एक महिला टाइम की कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मेरे पास तो ऐसा ही थोड़ी तकलीफ, घड़ी लगा दो बेटे, बोर हो जाओ तो हाथ खड़ा कर देना, मैं बंद कर दूंगा। दिल्ली में गया, दिल्ली में एक महिला ने मेरे से कहा कि मैं अपनी बच्ची को संस्कार देना चाहती हूँ, संस्कार मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि तुम अपनी जिठानी की बच्ची को संस्कार दो, है उसी से तो बचाना है। तो मैंने कहा सुना, बच्ची आपकी गोद में बड़ी नहीं होगी, वो जेठानी के पास जाएगी, बराबरी की बच्चियां हैं उसके पास, उसकी कजिन सिस्टर है, उनके साथ खेलेगी, और जब तुम उसे घृणा करते हो ना, ए ताई से मत बोलना, उसके उससे मत खेला कर, वो आलू खाती है, हमारे आलू खाना अच्छा नहीं मानती, वो आलू खाती, प्याज खाती, उसके साथ मत खेल। तो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, वो जाकर के सबसे पहले वो बच्ची से ही कहेगी, तुम बहुत खराब हो, तुम आलू प्याज खाती हो, और मेरी मम्मी कह रही थी तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है। मेरे सुना, बच्चे
ध्यान से सुना, बच्चे माँ बाप से कभी नहीं सीखते, बच्चे एनवायरमेंट से सीखते हैं। वे जहाँ खेलते हैं ना वहाँ सीखते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं वहाँ सीखते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हो ये लव अफेयर वगैरह, वो होता ही इसलिए है। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी है, उसकी बहुत बड़ी रिसर्च आई है, बहुत बड़ी रिसर्च 2015 में, 4 साल पहले। उसकी पूरी डिटेल आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उसका सार ये उन्होंने कहा है कि लड़का और लड़की की दोस्ती संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, वहां फिसलने के बहुत खतरे हैं। उसकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ सकते हो आप, डेट में बता सकता हूं आपको। कहने का मतलब ये है हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसकी रक्षा करे बिना आप सुखी नहीं रह पाएंगे। संस्कृति की रक्षा किए बिना हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हम भारतीयता की रक्षा किए बिना हम सुखी नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा उनको, एक काम करो, आप अपनी बच्ची को संस्कारित करने के लिए क्या क्या कर सकते हो बताओ। 500 रुपए महीने खर्च कर सकते हो, ओनली 500 रुपीज पर मंथ। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुना, कभी भी बूंदी बनाओ, मिठाई बनाओ, नमकीन बनाओ, कोई ना कोई अच्छा आइटम बनाओ, तो मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला के बांटा करो। घर में बुला लिया किसी न किसी बहाने, उन्हें अच्छी स्टोरी सुनाओ। उस समय उन्हें सुनाओ कि बहन बहन होती है, उसकी रक्षा करना चाहिए, गाली नहीं बकना चाहिए, अच्छे अच्छे आचरण की कहानियां सुनाओ, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको प्रेरित करो आधे एक घंटा और मिठाई बांट दो। सुनो, यदि मोहल्ले के सारे बच्चे अच्छे हो गए तो तुम्हारी बच्ची को कोई खतरा नहीं। अब आज की तारीख में बड़ी तकलीफ है, आपने देखा होगा। अपना तो खैर जावरा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, यहाँ के तो ऐसा लगता है कि हम ओल्ड इंडिया में आ गए। लेकिन अमेरिका, वो तो अपने बॉम्बे जाओ, आप देख नहीं सकते। 5 साल बीत गए, वो पड़ोसी को पड़ोसी की शक्ल नहीं मालूम। पड़ोसी को ये नहीं पता कि 3 दिन से मरी पड़ी वो सुनंदा, 3 दिन से मरी पड़ी थी, डेड बॉडी निकली थी। जी जी हालत है। लेकिन नहीं, मैं तो ये चाहूंगा, सेवा की संस्कृति बहुत सुख देने वाली है, प्रेम की, वात्सल्य की, एक दूसरे पर विश्वास की। आज की तारीख में हम 10 बजे अपनी पत्नी को किसी मित्र के साथ नहीं भेज सकते, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। एक कजिन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। तो एक जी कुछ संस्कृति, थोड़ी संस्कृति संबंधी बात मैंने की है। बातें बहुत सारी हैं, मैंने इनको तो बहुत सारी बातें बताई जब ये सिलेक्ट हो गए थे, ग्वालियर में मिलने आए थे, मैंने इनको बहुत सारी बातें बताई। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं जो इन्हें बताई वो आपको भी शेयर कर रहा हूं। बात छोटी लगेगी लेकिन बड़ी है। सामने घर है, विंडो है, और एक आदमी खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। ये बात हमारी भारतीयता के खिलाफ है। ठीक है, वहां हमारी बच्ची नहीं रह रही, वहां हमारी बहन नहीं, लेकिन कोई हमारे घर के नीचे करे तो हमें कैसा लगता है। नहीं, बिल्कुल हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। नहीं, गलत बात। कहने में क्या जाता है, 2-4 बार कहेंगे सही होते चले जाएंगे। इसमें कोई अपराध नहीं, कोई कानून नहीं, बताया जा सकता है, लिखवाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने पैसे दिए, आजकल तो हर चौराहे पे बनाए जा सकते हैं। वहां तक जाने का आलस मत करो, जाइए अब, सुधार हो सकता है। बहुत बढ़िया, स्कूलों के पास बच्चों के लिए ऐसी कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए, आपको भी पता है। नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। आप अकेले नहीं, जैसे नगर सेवक के नाम आपने लिए, आपके नाम लिए, यूं समझिए कि देश की सुव्यवस्था हमारे ही हाथों में, हमारे हाथ में। कहकर मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आपके साथ हम सब नागरिकों का कर्तव्य है, हम सब मिलकर करें, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा लगेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, मच्छर नहीं होंगे। मच्छर फैला कौन रहा है, थोड़े में कह रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें आप जानते हैं। मुझे इन बातों को कहकर आपका समय भी नहीं खराब करना। तो एक दी बात, थोड़ी सी एक कदम और आगे बात बताता हूं। मैं नहीं समझता हूं जावरा में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो सकता है ना हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन रतलाम में बहुत हो रहा है। शादी के टाइम महिला संगीत के नाम पर नाच रहे, हो सकता है मनोरंजन में अपन मॉडर्न हो रही, लेकिन आप उस बच्चे की सोचो जो 8 साल का बच्चा अपनी चाची को नाचते हुए देख रहा है, कमर में हाथ डालते हुए देख रहे हैं, किस करते हुए देख रहे हैं सबके सामने, और सब लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, सब हंस रहे हैं, ससुर ताली बजा रहा है, सास ताली बजा रही है। बच्चा ये सोचता है कि अच्छी चीज है। जब वो गाना आता है तो उसे वो दृश्य याद आता है। आपको मालूम होगा, आप चाहे तो एक क्षमा शर्मा पत्रकार है, बहुत बड़ी अपने दिल्ली में, उसका एक लेख छपा है थोड़े दिन पहले,
उस लेख में उसने कहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते 95% भाई अपनी बहन के सील की रक्षा नहीं कर रहा, मैंने यौन शोषण कर रहा है। 4 महीने की बहन है उसकी बच्ची, वो तो नहीं समझती बेचारी। 3 साल का भैया क्या कर रहा है आपको समझ में आता है? 4 साल के एक बच्चे ने क्या घटना की स्कूल में आपको पता होगी? मैंने अब तो इतना लेवल गिर गया, अब हमें और कोई से खतरा नहीं है, अब तो परिचितों से खतरा। क्यों? बच्चा नहीं जानता, ये बच्चा इस डिफरेंस को नहीं जानता कि मेरी बहन है, लेकिन वो देख रहा है ना कितनी गलती घटना हो रही है। पोस्टपोन करने के लिए मर्डर होने लगी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, चलती रेल में से फेंक रहे हैं, ये मोबाइल की देन, क्योंकि इतना गुस्सा है कि मम्मी ही ने जरा फोन बंद कराया, इतने में तो चक्कू मारने तैयार। हाँ कितने आए बोलो? और पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजा था चलती रेल में से फेंक दिया, प्रधानमंत्री होते हुए किसी को कुछ पता नहीं। ये चीज आ रही है इसमें से, हमें बच्चों से बहुत चर्चा करनी चाहिए। मैं तो आपको ये कहूंगा बहुत हृदय से, यदि आप मेरे पेरेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ है आप चाहे तो ले लें, मैं इनको दूंगा, आप सबको दे देना पेरेंटिंग, आप और आपके बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, सभी के लिए आप ये पेरेंटिंग पढ़ा देना। मैं बहुत सिंपल भाषा में कह रहा हूं ये बात, पेरेंटिंग की दिक्कत सबसे बड़ी है इसमें। आप कितना भी काम करें, आपने पहली 8-10 दिन पहले संडे का जो अखबार निकला था पिछले 15 दिन पहले, उसमें आपने पढ़ा हुआ आमिर खान ने अपने बच्चों के लिए सुबह 6 से 8 2 घंटे टाइम देता है, वो अपने हाथों से बच्चों को नहलाता है, बहादुर नाम का उसका बेटा है, उसे नहलाता है, उसे जूते पहनाता है, उसको काम करता है, किचन में मदद करता है 2 घंटे। क्यों? पत्नी और बच्चों का भी हक है। जब हम अपने बच्चों में डाइल्यूट नहीं है तो आप बच्चों से क्या आशा करेंगे कि वो आपके साथ करुणा करे, मैत्री करे, आपके प्रति सहानुभूति तक नहीं रखते बच्चे। मैंने आप देख के दुख होता है, पापा एक्सपायर हो गए ऐसे खड़े, कोई मतलब ही नहीं, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। पापा बीमार हैं, कोई मतलब ही नहीं, क्या कमाल हो गया। इसका मतलब ये निकला ये मोबाइल हमारे को बहुत दूर कर रहा है, बहुत दूर कर रहा है बहुत, और इससे जो गुस्सा आ रहा है इरिटेशन वो जबरदस्त बहुत लॉस करेगा। घटना एक दिन घटेगी, अपने बच्चे कभी आपने देखा होगा कई बार पुलिस वालों के बच्चे या किसी का भी बच्चा आखिरकार अरेस्ट करना पड़ा, क्यों? गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था। अब पिताजी भी क्या गुजरती होगी जब पुलिस डिपार्टमेंट का नाम आता हो, उन्हें कितना दुख होता होगा, मेरा बेटा कितनी बार समझाया कि ऐसी गाड़ी मत चलाएगा, लेकिन होगी, कितनी घटनाएं होगी, कहीं और जाना पड़ता, क्या करोगे आप? तो मेरा मतलब है कि हम अपने परिवार को समय दें, 1 घंटा 2 घंटा एक साथ भोजन करते समय, शाम को, सुबह, जब आपको टाइम मिलता हो टाइम जरूर दें। और मैं जानता हूं आपको टाइम की सबसे बड़ी तकलीफ है, मुझे भी पता है। अभी शायद छुट्टियां मिलने लगी है, अभी जब से अपने कमलनाथ आए, नहीं अभी छुट्टी शुरू नहीं हुई। मैं तो सोच रहा था आपको तो राहत मिली होगी थोड़ी सी। तो अब तो 24 घंटे की ड्यूटी है, मतलब उसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आप कैसे भी बने बच्चों का ये बहुत बड़ा हक है, हम उनके साथ जुड़े। तो अगर बच्चों से आपका डाइल्यूशन होगा तो वो आपको पहचानेंगे, आप उन्हें पहचानेंगे, और पहचानने का ये फायदा होगा सही समय पर आप अवेयर कर सकते हैं, उन्हें प्रिकॉशन ले सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। और नहीं तो ऐसी कोई घटना जिस दिन घटेगी, लव अफेयर की, इंटरकास्ट की, भागने की, भगाने की, शादी करने की, उस दिन कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं होता। मैं जब बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे दूसरी बात कहता हूं, बेटे कोई अपने माता पिता को जहर दे देना तो शायद उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जब आप शादी कर लेते हैं या गलत काम करते हैं तो माता पिता को स्लो पॉइजन होता है पूरी जिंदगी के लिए। वे सारी जिंदगी आंखों से बहाते हैं, समाज का सामना नहीं कर पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते, फोन तक नहीं उठा पाते, पूछते क्यों तुम्हारी लल्ली का क्या हुआ, तुमने संस्कार नहीं दिए। उनकी जो पीड़ा है ना पूरी जिंदगी तड़फने जैसी, उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। तो एक ही थोड़ा सा जो मैंने कहा महिला संगीत के नाम नाचना वाला, वो बच्चों पे क्या असर पड़ता हुआ अपन नहीं समझ सकते। हो सके अपने समाज में, अपने परिवार में इनको हम सचेत करें। अभी क्या हुआ, आंख बंद कर हमें लग रहा है, मैं बोलूं थोड़ा सा खराब शब्द, हमें पता नहीं शायद ऐसा लगने लगा टीवी देखते देखते हमारे कल्चर में क्या दम है, हमारे पास्ट में क्या दम है, हमारे शास्त्रों में क्या दम है। और मैं बैकवर्ड नहीं हूं, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूं, हम मॉडर्न है, लेकिन ये उसी में से आ रही है तकलीफ, ये उसी में से आ रही है। और एक एक व्यक्ति पीड़ित है,
यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम से हमें बचना होते, ये छोटी छोटी बातें हैं, संस्कृति संबंधी है, हमारे बच्चों को बहुओं को महिला संगीत ये नहीं। अब एक और नया शब्द आ गया, प्री हनीमून, हनीमून लो भैया, वे 200 करोड़ की शादी कर आए विराट कोहली, अब हर लड़का कर नहीं सकता बेचारा, क्या कर रहे बताओ। हर स्टेप पे तकलीफ है और प्री हनीमून चालू हो गया, ये करता है वो दूसरों को दुर्गंध फैलती है उसकी, आग फौरन लगती है फटाफट। पापा तुम समझते नहीं, देख लेना आप बात करके देखें, पापा आप समझते नहीं हो, आप ट्रेडिशनल युग के हो, मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, तूने पाप नहीं किया। तूने मजे नहीं लिए। लेकिन ये बहुत तकलीफी थे, फालतू के तो खर्चे इसमें। एक वो प्री वेडिंग, प्री वेडिंग के नाम पे फोटो बनाना, 1-2 लाख रुपए की वीडियो शूटिंग करवाना, और कल्पना करो कल शादी नहीं हुई तो कोई कारण से टूट गई तो ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, जबलपुर का एक लड़का था वकील, और गुना की एक लड़की थी, सगाई हुई थी दोनों की सगाई, तो आज का चक्कर चालू हो जाता है वो 3 बजे रात तक। अब दोनों बातें कर रहे, ठीक है भाई, मम्मी पापा ने भी अलाउ कर दिया, सगाई तो हो गई, शादी होने वाली, कोई बात नहीं। देख उस लड़के की एक गलती मार गई, वो लड़का संपन्न था, लॉयर था, सब बात अच्छी थी, लेकिन उसकी एक कमी से मार गई। यहाँ इकलौती लड़की थी करोड़पति अरबपति, लेकिन वो बेवकूफ था वो लड़का, वो थोड़ा बनिया, जिसको कहते हैं सियान पथ, बनिया की मार गई। वो क्या करता था, वहां से मिस कॉल करता था और यहाँ से फोन लगवाता था ताकि पैसे इसके लगे, समझ गए। परिणाम ये निकला कि वो लड़के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना जी बोले, जो अभी ऐसा सोचता है जिसे शादी करने लायक नहीं, उसने शादी तोड़ दी। समझ में आई बात, मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, जब मुझे बच्चे मिलते हैं, बेटे फोन पर आप बात ही क्या करोगे ये तो बता दे, कोई बात नहीं, आप फालतू बातें करोगे फेंका फेंकी, और शादी के बाद जिंदगी भर रोता फिर वो लड़का जो फेंकता है। वो यही कहता है, मैं तेरी झोली चांद सितारों से भर दूंगा, चांद तो छोड़ मत पैसा से भर दे। एक जरा सी शॉपिंग करने जाए लड़की और 10-50 हजार मिटा दे तो आग लगती है, नहीं कर पाओगे बेटे, झूठ बोलने से फायदा क्या है। मेरा मतलब ये जो कल्चर है ये सब परेशानी का ही है, हर लड़का दुखी है इससे। आप बोलते हैं झूठ बात, मैं तेरे बिना ऐसा नहीं कर सकता, फिर देखो क्यों, तुम तो कह रहे थे मेरे बिना नहीं रह सकते, अब दिन भर में एक बार मिस कॉल नहीं कर रहे। चाइना का तो पढ़ा हुआ है आपने, चाइना में एक लड़का बहुत परेशान था प्रेमिका से, वो बार बार मैसेज करे वो उसको जवाब ना दे, बेचारो IIT का काम करने वाला, वो कहां तक उस करे, प्रोजेक्ट निपटाना उसे, तो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वहां से जवाब आएगा तो अपने आप दे देगा। देखा होगा आपने, पढ़ा होगा अखबारों में, वो अपने आप दे देगा। तो करे क्या बेचारे, वो इतना परेशान था उस चक्कर में कि वो काम करे कि इसके बात करे, और ये परेशानी 99% आज भी है, 100% जो लगे हुए इस पर। लेकिन हम तो एक बात बहुत बड़ी बात कहते हैं, हर इंग्लिश से आप बच्चों को भी समझाओ ये बात कि बेटे कान खराब होते हैं, कैंसर होते हैं, दिमाग खराब होता है, पढ़ाई खराब हो रही बच्चों की, फोकस खराब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है, पढ़ाई में बच्चे मारे जा रहे हैं। अब जैसे बच्चे फेल होते हैं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को सतर्क होना पड़ता है, आज 10th का रिजल्ट खुल रहा है, पहले कुआ थे तो कुआ पे खड़े रहते थे लोग, गिर ना जाए कोई। अभी देखा होगा आपने विदिशा का आया था समाचार, MBBS के पेपर चल रहे थे, पेपर करने बाद निकला और संयोग से उसके जेब में से एक पर्ची गिर गई, टीचर ने पकड़ ली और केस बना दिया, जाके 4 मंजिलों में हॉस्टल पे से गिर के मर गया। मैंने बच्चों में पेशेंस नहीं है ये समझो, आपकी सारी कमाई बेकार गई, आपका सारा सुख बेकार चला गया यदि हमारा बच्चे में पेशेंस नहीं। अब ये दूसरे की प्रॉब्लम नहीं, अपनी प्रॉब्लम, और इसके लिए मैं चाहता हूँ समाज, जो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, यदि समाज में इतना अच्छा एनवायरमेंट होगा तो आपका बच्चा भी ऐसे ही करेगा, उसके 9 बच्चे फेंकेंगे तो ये तुम्हारा भी फेंकेगा, और 9 बच्चे नहीं फेंकेंगे फेंकेंगे समझ गए तो ये भी नहीं फेंकेगा। हो सके तो अपने बच्चों को और अपने परिवार को सत्संगति में लगाइए, बच्चे यदि सो रहे हों तो आप खुद कहिए नहीं चलो अपन फुटबॉल खेलेंगे, कोई जगह गेम खेलेंगे, स्विमिंग करने चलती है, फला कर, मैंने बच्चों से जुड़िए, बच्चों का जितना अच्छे आप गाइड बन सकते हैं उतना अच्छा गाइड कोई नहीं बन सकता, टेलीविजन तो कतई नहीं बन सकता, इंटरनेट कतई नहीं बन सकता, मोबाइल कतई नहीं बन सकता है।
आप बच्चे को डांटे नहीं और मोबाइल छोड़ने के लिए नहीं कहें, मुझे मालूम है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वो और छुप के करेगा, हो सके तो बच्चों को समय दो। पत्नी से भी कहो मैं नहीं दे पा रहा हूं तो तुम समय दो, खेलो बच्चों के साथ, घूमो फिरो, अच्छे से बातें करो, लेकिन समय नहीं देंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये मैंने कुछ कुछ बुराइयों की चर्चा आपके सामने की है, जानते तो आप भी हैं, सब मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं हम सब मिलकर करी शुरुआत करें। मैं समझता हूं जाबराम ये काम कठिन नहीं होना चाहिए, यदि हम सब यहां पर बहुत सारे संघ होंगे, क्या कहलाते हैं जो संस्थाएं होंगी, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, तमाम, यदि हम इनके चीफ को बुलाएं और इन बातों को फैलाएं, हर समाज के उनको बुलाएं, स्कूल कॉलेजों को बुलाएं, तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। और मुझे इस बात की उस दिन बड़ी खुशी होगी जब समाचार पत्र में पढ़ूंगा कि जावरा ने इंडिया में ये कमाल करके दिखाया कि यहां पर कोई सुसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है, यहाँ पर बच्चे फेल होने पर भी धैर्य रखते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही जिसमें गलत काम हो रहा हो। और ये मैं सोचता हूँ कि अपराध होने के बाद जितनी मेहनत हम करते हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, अपराध होने के बाद हम जितनी मेहनत करते हैं वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, अपराध के पहले ही हम अपराध होना रोक देंगे। मैंने आपका काफी समय लिया, बहुत बहुत अच्छा।